हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन और ब्लॉग में फ्रेंड। तो बस भगवान से ही आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशहाल रहिए हर हाल में। तो फ्रेंड, आज मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग लेके आई हूँ। तो सुबह उठना, 5 बजे से उठ के मैंने बच्चों को किस तरीके से तैयार करती हूँ, टिफिन वगैरह बनाई हूँ। तो चलिए फिर दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या कर किया है सुबह से लेके शाम तक। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस घर का ही थोड़ा बहुत काम है फ्रेंड। जबकि आप जानते हैं कि घर का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। सुबह का काम जब से हम लोग बिस्तर छोड़ के उठते हैं तब से काम ही करते रहते हैं फ्रेंड, और शाम हो जाती है काम करते करते, काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर चलिए, वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड मेरी तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करना, और नए हैं मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इधर हम बना रहे हैं बच्चों के लिए नाश्ता, टिफिन में जो देना है बच्चों को। तो इस समय बज रहे हैं 6 सुबह के, और सुबह सुबह ही मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों का सुबह का ही स्कूल रहता है। तो इधर मैं आलू फ्राई ऐसे ही बनाती हूँ ठंडियों में, क्योंकि बच्चे ऐसे ही ले जाते हैं। तो बस आलू उबाल के बस सुबह सुबह उठ के फिर इसी तरीके से मैं फ्राई कर देती हूँ, और बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से, और खाने में भी बहुत स्वाद आता है, बहुत टेस्टी लगता है, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। स्कूल में भी ले जाते हैं तो स्कूल के बच्चों को भी बहुत पसंद आता है फ्रेंड। तो इस तरीके से आलू की भुजिया मेरी मटर की हो गई रेडी, और इधर मैंने आटा लगा के रख दिया है देखिए इस तरीके से। और अब इधर चल के बनाते हैं पराठा। तो देखिए, मैं बच्चों के लिए टिफिन ले जाने के लिए मैं ऐसे बना रही हूँ पराठा इस तरीके से। और कभी आज पराठा बना देते हैं, लेकिन नहीं तो रोटी ही ज़्यादातर हम देते हैं बच्चों को स्कूल, क्योंकि उनको रोटी पसंद है, पराठा नहीं खाते हैं, लेकिन ठंडियों में खाते हैं, चल जाता है। गर्मी भर तो हम रोटी ही देते हैं, पराठा बहुत ही कम देते हैं। जब बोलते हैं बच्चे तभी बना के देते हैं, क्योंकि गर्मी में तेल वेल बहुत थोड़ा नुकसान करता है। तो इधर देखिए, मैंने 3-4 पराठे बनाए हैं, और नीचे गैया की रोटी है वो। तो बस 3 पराठा है, 2 टिफिन में करेंगे, एक खाएंगे बच्चे। और इधर देखिए, अब मैं कर रही हूँ घर की पूरी साफ़ सफाई। बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, पूरा सब अच्छे तरीके से तैयार करके, साफ़ सफाई करके, फिर खाने में दोपहर में देखते हैं क्या बनाते हैं। रखा है बथुआ, तो आज उसकी दाल बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, हम लगा रहे हैं पोछा, और पोछा लगाने के बाद सीधे नहाएंगे। तो मेरी एक आदत है देखिए पोछा लगाने की, मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, घुटने के बल पोछा लगाती हूँ, कभी भी मतलब वैसे पैर के बल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं लगता है उस तरीके से पोछा, मैं पोछा ऐसे ही लगाती हूँ। और इस तरीके से थोड़ा बहुत पोछा लगा पाते हैं, नहीं हम लगा नहीं पाते हैं, ऐसे बैठ के घुटने के बल ही पोछा लगाते हैं फ्रेंड। तो मॉर्निंग का समय है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह उठ के, जब से उठते हैं हम सब बिस्तर पर से तब से काम ही करते रहते हैं फ्रेंड। और उसके बाद में नमस्ते फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। तो अच्छे ही रहिए आप सब, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार के साथ फ्रेंड। तो मैं यहाँ नहा के और घर का सारा साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ करके, मैंने सारा कुछ रेडी करके बच्चों को स्कूल भेज के, और मैंने नाश्ता वगैरह भी सब कर लिया है, चाय वगैरह पी लिया है मैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आज दोपहर सुबह के समय बच्चों को आलू की भुजिया इसी तरीके से आलू की भुजिया मैं बनाती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और स्कूल में भी ले जाते हैं तो स्कूल में बच्चों को भी बहुत पसंद आता है टिफिन जो हम बना के देते हैं।
तो बस वही पराठा और मैंने आलू और मटर टमाटर सारी चीज़ों का मैंने भुजिया बनाया था। आलू उबाल के बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो सारा खाना पीना सुबह का नाश्ता हो गया है और यहाँ अब बारी आ गई है दोपहर में खाने के लिए कि बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे। और वैसे भी बच्चे आते हैं इस समय तो खाना नहीं मांगते हैं, खाते नहीं हैं और बनाते हैं फ्रेंड, तो रखा रहता है लेकिन ज़बरदस्ती खिलाते हैं, खिलाना चाहिए। तो आज हम बनाने चल रहे हैं फ्रेंड, देखिए ये बथुआ है। तो आज हम फ्रेंड बथुए की दाल बनाएंगे, सकपहता जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक पाव बथुआ है फ्रेंड ये, और ये है उड़द की दाल। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों के यहाँ उड़द में बनता है सकपहता, या उड़द नहीं है साबित तो उड़द की दाल में बनता है। और वैसे अपनी अपनी पसंद है फ्रेंड की, जैसे जिसमें बना सकें आप, जिसमें खाएं। बहुत लोग तो यहाँ देखते हैं मटर की दाल में, चने की दाल में, अरहर की दाल में बनाते हैं सपैता, लेकिन हमको पसंद नहीं है क्योंकि हम बचपन से ही उड़द की दाल या उड़द में ही खाएं सपैता। तो इसीलिए मुझे वही पसंद आता है जो खाए हैं, है ना फ्रेंड। जैसे कि कोई चीज़ ना खाए रहो कभी तो वो पसंद कम आता है, और जो लोग वही चीज़ खाए रहते हैं उनको पसंद रहता है। तो फ्रेंड मुझे बस उड़द की दाल में या चने की दाल में सकपहता अच्छा लगता है। तो फिर ये बथुए को हम अब ये ऐसे पत्ती कत्ती करके ऐसे करके ये डंठल नहीं डालेंगे क्योंकि टाइट रहता है, या कुकर में तो सब गल जाता है, लेकिन बस हम ऐसे ही करके यहाँ बथुए बिचारते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं गाँव में कि बिचार रहे हैं ना, तो वही बथुई को बिचारते हैं इस तरीके से एक एक करके, ताकि कुछ गंदगी ना रहे और मिट्टी वगैरह ना रहे। तो इस तरीके से हम बथुई को साफ़ करेंगे, उसके बाद में बनाते हैं सकपहता फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो में, है ना। तो फ्रेंड इधर हम आ गए हैं किचन में, तो देखिए इधर हमने दाल को धुल लिया है और ये है बथुआ, बथुआ को मैंने धुल लिया है। और चलिए देखते हैं कि हम कैसे सकपहता बनाते हैं अपने तरीके से। और फ्रेंड इधर हम आप बनाने चल रहे हैं बथुए वाली दाल सकपहता, जो गांव में सकपहता कहते हैं, और बहुत ही पसंद आता है सकपहता बथुए की दाल का। और पालक की दाल का तो मुझे बहुत पसंद नहीं आता है, कम पसंद आता है और मैं बनाती भी नहीं हूँ जल्दी, मैं आपको बताऊँ तो मैं सकपहता इस तरीके से बनाती हूँ। और मेरा बनाने का स्टाइल कुछ अलग ही है, तो आप सब देखिए। मैंने थोड़ा सा तेल डाल के लहसुन और मिर्चा को पहले डाल दिया है, उसके बाद में मैं बथुए को सबसे पहले डालती हूँ और थोड़ा सा इसको फ्राई कर ले रही हूँ। वो इसलिए फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड कि बथुआ थोड़ा सा गल जाएगा और दाल बनने के बाद हरा नहीं दिखेगा, क्योंकि दाल बनाने पे हरा हरा दिखता है, तो ऐसे हरा नहीं दिखेगा और दाल भी बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए मैं इधर देखिए पालक भी गल गई है, बथुआ सॉरी, और इसमें हमने डाल देना है दाल धुल के। देखिए इधर मैंने धुल के दाल भी डाल दिया है और हींग नमक डाल के मैं इसे बंद कर दूंगी फ्रेंड। और आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन फिर मेरे बच्चे नहीं खाएंगे अगर टमाटर डाल देंगे इसमें। तो बस इसी तरीके से पानी डाल के नमक हल मतलब नमक डाल के हींग डाल के इसको मैं बंद कर दूंगी और बनने देंगे। देखिए हींग मैंने डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना आप खाना चाहते हैं कम ज़्यादा जैसे भी। तो नमक डालने के बाद फिर कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे, उसके बाद में बन जाएगा मेरा पूरा खाना, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए इधर मेरा खाना बनके रेडी हो गया, टमाटर की चटनी, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सारी चीज़ें रेडी हो गई। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड, ठीक है ना। बाय बाय।